नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। पुरनपुर ऑल इंडियन प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तहसील पुरनपुर व तहसील कलीनगर इकाई के अध्यक्ष श्री शादाब अली व संगठन मंत्री श्री शोएब अहमद उर्फ फूल बाबू के विरुद्ध विकासखंड पुरनपुर जिला पीलीभीत अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत गहलुया के नवनिर्वाचित प्रधान मोहम्मद इमरान खान पुत्र हाफिज सितारुद्दीन खान द्वारा षड्यंत्र के अंतर्गत कोतवाली पुरनपुर में मुकदमा अपराध संख्या 0300 दिनांक 19 मई 2021 धारा 153A 504 384 120B 506 दर्ज कराया गया, जो कि नितांत फर्जी मनगढ़ंत व निंदनीय कृत्य है। श्री शादाब अली व श्री शोएब अहमद उर्फ फूल बाबू बरेली से प्रकाशित सम्मानित समाचार पत्र दैनिक आज में सेवारत है और इनके द्वारा उक्त प्रधान द्वारा चुनाव जीतने के बाद गौकशी कर समर्थकों व ग्रामीणों की दावत किए जाने संबंधित समाचार शीर्षक। चुनाव जीतने की खुशी में समर्थकों व ग्रामीणों को दावत में प्रधान ने खिलाया गौवंशीय पशु का मांस। गत 17 मई को अपने समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था, जिसके संबंध में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक से वर्जन भी लिया गया था। इस प्रकाशित समाचार से उक्त ग्राम प्रधान व उसके सहयोगी शुभ थे और पत्रकार को लगातार अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे थे। ये समाचार अन्य कई प्रतिष्ठित समाचार पत्रों व मीडिया पोर्टल पर भी प्रकाशित हुआ था और पूरा प्रकरण पुलिस प्रशासन के संज्ञान में था। पूरनपुर से संवाददाता मोइन खान की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट व शेयर करें और भारत रफ्तार न्यूज की हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।